अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। हम उर्दू का काम शुरू करने जा रहे हैं और काम शुरू करने से पहले हमने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और काम ख़त्म करने पर हम क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमने आदेश का लिखनी है, अलिफ बे की बेबीज़ बनाने हैं। जी अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सीन, इसका फोनी क्या होता है, सीन सा। ये क्या है, सीन की आदेश काल है, सीन का बेबी। अब हम इसको राइट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, शीन, शीन का फोनी क्या होता है, शीन शाह। ये क्या है, शीन का बेबी है, शीन की आदेश काल है। स्वाद, स्वाद का फोनी क्या होता है, स्वाद सा। ये स्वाद की आदेश काल है। ज्वाद, ज्वाद जा, ज्वाद की आदेश काल। ज़रूरी नहीं कि मेरे से भी ये परफेक्ट लिखा जाए, बाज़ दफ़ा मेरे से भी रॉन्ग लिखा जाता है तो मैं इसको रेज कर लेती हूँ। कि ये क्या लिखा हुआ है, आइन, आइन का फोनी क्या होता है, आइन आ। ये क्या है, आइन का बेबी, आइन की आदेश काल। गैन, गैन का, गैन का बेबी, गैन की आदेश काल। ऐसे आप मैंने राइट करके मुझे सेंड करना। अब देखें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखें। तस्वीर दी गई हैं, अब हमें इसको शुरू की आवाज़ लिखनी कि किससे स्टार्ट होते हैं। ये क्या बना हुआ है, कौवा, तो किसका आवाज़ निकल रही है, का की आवाज़ निकल रही है ना, तो काफ का कौवा, तो इसमें कौन सा आएगा, काफ, डंडे वाला काफ आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काफ। ये क्या है, हार, हार में किसकी आवाज़ निकल रही है, हा की, हे की, यहाँ पर हम हे लिख देंगे। ये क्या बना हुआ है, मछली, मछली में किसकी आवाज़ निकली है, माँ की, मीम की, मीम माँ होता है तो हम यहाँ पर मीम लिख देंगे। मीम को ट्रायंगल शेप में लिख के इसको फिल करना है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस्लामियत के क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट हुए हुए हैं। जी अल्लाह ने हमारे नबी पर कौन सी किताब उतारी, कुरान मजीद। हमारे नबी की क्या खूबी है, आखिरी नबी हैं। हर मुसलमान पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं, 5। नमाजों के नाम बताएं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। जन्नत किसके कदमों तले है, माँ के। हाँ जी अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या माँ बाप का हुक्म मानने से अल्लाह खुश होता है, जी हाँ। क्या माँ बाप का हुक्म मानने से अल्लाह खुश होता है, जी हाँ। अब हम कुरान की तरफ चलते हैं। दूसरा कलमा दिया हुआ था आप लोगों को। जी ये हमारे इस्माल हसना भी हो गए हैं, दुआएं भी हो गई हैं। अब हम लोगों ने दुआएं हमारी 4 हुई हैं। आज हमने दुआ नंबर 5 पढ़नी है, वॉशरूम से बाहर आने की दुआ। वॉशरूम से बाहर आने की दुआ, गुफराना का। वॉशरूम से बाहर आने की दुआ, गुफराना का। जी मुझे उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी। अब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें।